हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए आज देखते हैं एक यूनिक सी रेसिपी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। देखिए गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए आज एक अच्छा सा होटल, बिल्कुल जैसे होटल वगैरह में दही जमाते हैं उस तरह से हम दही जमाना बताएंगे आपको। देखिए कितने यूनिक स्टाइल से। और एक बात, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो उसमें कुछ टिप भी देंगे इसको बनाने के लिए। तो ये हमने दूध ले लिया है जो कि हमारा आधा केजी है, तो इसको हम गर्म करेंगे। देखिए हमारा बॉयल नहीं, बॉयल दूध है, ठीक है, ये बॉयल दूध है। तो देखते रहिएगा लास्ट में, अगर आपका बिना बॉयल का दूध है तो क्या करना है हम लास्ट में बताएंगे आपको। तो ये हमारा बॉयल दूध है, तो जितना गर्म हमको इसको करना है बस उतना ही करेंगे। तो देखिए कितना, ये देखिए गाइस हमारा गर्म हो गया है। तो इतना गर्म हो गया कि हम इसमें उंगली डाल रहे हैं तो इसमें हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप का गर्म हो गया है। तो देखिए क्या करते हैं। देखिए गाइस हमको इस बर्तन में जमाना है, तो हम इसमें इसको करेंगे, सारे दूध को इसमें डाल देंगे, ठीक है। और आप ये देखिए क्या करना है, बिल्कुल ठंडा वंडा कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए इस तरह से दही लेना है एक स्पून और इसमें डाल के मिला देना है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जामन जिस तरह का दही का लगाएंगे आप, दही उसी तरह से जमेगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा हम इसमें फोड़ के मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम ढककर अच्छे से रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जामन लगाया और इसको ऐसे ढककर अच्छे से 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है। तो ये जम जाएगा, तो मिलते हैं 5 से 6 घंटे बाद। ये देखिए गाइस 5 से 6 घंटे हो गया, हमारा दही कितनी अच्छे से जम गया है। बट एक चीज और, अगर इसको हम ऐसे ही छुएंगे, ठीक है, तो उसमें पानी बन जाएगा। तो इसको अब हम जैसे होटल पर लोग करते हैं, जो हलवाई लोग होते हैं वो करते हैं, जमाने के बाद में इसको टच भी नहीं करते, हिलाते भी हैं, बस इसको तुरंत हम ऐसे ही बंद करके 5 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि पूरा चिल्ड हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो हम रखते हैं, फिर मिलते हैं 3 से 4 घंटे बाद। ये देखिए गाइस 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, दही हमारा बिल्कुल अच्छे से जम गया है। और देखिएगा ये कट करके देखिए, ये देखिए कितना यम्मी दही जमा है और ये बिल्कुल खट्टा भी नहीं होगा, ठीक है। और अब हम इसकी देंगे टिप्स एंड ट्रिक। तो देखिए क्या हम ट्रिक देते हैं अच्छे से, ट्रिक इसकी यही है कि आप दूध को जब देखिए, हमारा दूध बॉयल था पहले से, तो हमने उतना गर्म किया जितना हमें जमाना था, ठीक है। अगर देखिए गाइस, दूध अगर आपका गर्म नहीं है, ठीक है, आपको बॉयल करना है, तो आप दूध में पानी कम मात्रा में डालिए, ठीक है, और उसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद देखिए इसमें गर्मियां चल रही हैं, तो बॉयल करने के बाद 5 मिनट के लिए रख दीजिए, 5 मिनट तक ठंडा हो जाए अपने आप, उसके बाद आप जामन लगा के जमा दीजिए। और अगर आपका दूध बॉयल है, बॉयल दूध अब जमाना चाहते हो, तो उतना ही गर्म करिए कि जितना उंगली डालने पर, टच करने पर हम बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद में उसमें जामन लगा के डाल दीजिए और जैसे ही दूध जम जाए उसके बाद तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। देखिए गाइस इसमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, बस जामन हमें लगाना है, वो जितना जैसा जामन आप लाओगे, पतला जामन लाओगे दही पतला जमेगा, थिक नहीं जमेगा, थिक जामन लगाओगे तो थिक जमेगा दही। और दूध की मात्रा में पानी कम रखना है, और जब जम जाए हमारा परफेक्ट, तो उसके बाद में हमको फ्रिज में 2 से 3 घंटे रख देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दही खट्टा ना हो, तो जिस टाइम आप दही जमाए उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड कर दें। 1 चम्मच शुगर ऐड करने से आपका दही खट्टा नहीं होगा बिल्कुल। बस यही ट्रिक्स हैं, कुछ इन ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा और अपने घर में आराम से दही जमाइए और इंजॉय करिए, क्योंकि गर्मियों में दही खाना बहुत 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 जरूरी है। तो प्लीज अगर हमारी ये रेसिपी और ये ट्रिक एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।